आज हम बीए पार्ट सेकंड सामाजिक अनुसंधान के सर्वेक्षण पद्धतियों में सामाजिक अनुसंधान के प्रकार देखेंगे। इसमें पहला प्रकार है अन्वेषण अथवा निरूपणात्मक शोध। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अध्ययनकर्ता घटना के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास करता है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करता है और इसके लिए अध्ययन और अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। इसे निरूपणात्मक शोध भी कहते हैं। इसमें किसी समस्या के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रकल्पना का भी निर्माण करना पड़ता है या किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए कौन कौन से कारण मौजूद होते हैं, कौन कौन सी दशाएं मौजूद होती है, कौन कौन सी परिस्थितियां होती है, उसको एक तरीके से ढूंढने का प्रयास किया जाता है। अन्वेषण का ही अर्थ होता है छानबीन, और निरूपण का ये अर्थ होता है कि उसको एक तरीके से छानबीन करके उसको एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से एक तरीके से व्यवस्थित किया जाए। और इस काम के लिए क्या है, कुछ चीजों का सहारा लिया जाता है। तो सबसे पहला तो इसमें माना गया कि संबंधित साहित्य का अध्ययन, अर्थात जिस विषय पर हम खोज करना चाहते हैं उसमें पहले किसी व्यक्ति ने अनुसंधान किया हो सकता है, कुछ किताबें हो सकती है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, और भी सामग्री हो सकती है, जो भी लिटरेचर उसके संबंध में मौजूद होता है उसका हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। दूसरा है इसमें अनुभव सर्वेक्षण। तो जो भी हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ लोगों से संपर्क करके या जैसे हम उस समस्या से संबंधित लोगों का पता लगाते हैं, चुनाव करते हैं, उनके अनुभवों का फायदा उठाते हैं। और कई बार तो शिक्षा की कमी, साधनों की कमी और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्ति अपने विचारों को लिखित रूप देने में सक्षम नहीं होते। ऐसे लोगों को खोज निकाला जाता है और उनसे एक तरीके से बातचीत करके और जानकारी ली जाती है जो तो आगे बढ़ाते हैं। तीसरा इसमें यह माना गया कि सही सूचनादाता का चुनाव। तो इसके लिए कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से कुछ व्यक्ति संबंधित हो सकते हैं। जैसे हम ये सरपंचों की पंचायती राज में भूमिका का अध्ययन करना चाहें तो इसमें किसी पंचायत समिति में जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनके सरपंचों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये तो वह सीधा, पर कई लोग अप्रत्यक्ष संपर्क में भी होते हैं जो सीधे रूप से तो जुड़े नहीं होते पर उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जैसे स्कूल के अध्यापक, सरकारी कर्मचारी, गांव के कुछ गणमान्य नागरिक या जैसे कोई पटवारी हो सकता है, तो इनसे मिलकर के भी हम जानकारी एकत्रित करते हैं। अगला इसमें माना गया कि जो सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं वो सावधानी से बनाए जाते हैं और ऐसे प्रश्न बनाए जाने चाहिए जिससे अध्ययन से संबंधित सही जानकारी मिल जाए। प्रश्न ऐसे लियो जो किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को या सम्मान को आघात पहुंचाए या कोई द्विअर्थी हो या इस तरीके के नहीं हो। अगला इसमें माना गया अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। कई विषय के अनेक पहलू होते हैं जिनके अनुसंधानकर्ता को जानकारी नहीं होती, तो इसी कमी को दूर करने के लिए अध्ययन का गहराई से करना जरूरी हो जाता है, विश्लेषण जरूरी हो जाता है और सभी पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए घटना का बारीकी से अवलोकन किया जाता है। तो इसके द्वारा एक ऐसी समझ प्राप्त होती है, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो अध्ययन को आगे ले जा सकती है और ये क्या है कि अध्ययन को एक तरीके से क्या है कि दिशा भी प्रदान कर सकती है। तो इसके लिए ये प्रयास किए जाते हैं।